सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की कविता उन बेटियों के नाम हैं, आज की कविता उन बेटियों के नाम हैं जिनके कल में माँ की पहचान है, जिनके कल में एक माँ की पहचान है। बच्चों, आज जिस कविता का अध्ययन हम करेंगे उस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, इस कविता में उन्होंने एक बेटी और माँ के बीच में सच्चे संबंध का के विषय में बताया है। क्या कहती है एक बेटी अपनी माँ से, जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, माँ तूने गोद में उठाकर जब प्यार किया था, माँ तूने गोद में उठाकर जब प्यार किया था। बच्चों, एक बेटी की अपनी माँ से क्या विनती है, क्यों लिपट कर रहना चाहती है वह हमेशा अपनी माँ के साथ। माँ का प्यार, माँ का साथ, उसके आंचल की छाया को वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बेटी जानती है कि उसके बड़े होने पर बचपन के साथ साथ और भी बहुत कुछ छीन जाएगा, इसलिए बेटी हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। तो बच्चों, आज की हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, इस कविता का अध्ययन आप स्वयं भी करेंगे, मैं अध्ययन करने के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बताऊँगी। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊँ, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूँ तेरा हाथ। बच्चों, अंचल का अर्थ होता है कपड़े का छोर, यानी कि जिसे बच्चा पकड़ कर चलता है। फिरूँ का अर्थ होता है घूमूँ, सदा का अर्थ है हमेशा। इन पंक्तियों में एक बेटी अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ मैं कभी बड़ी होना ही नहीं चाहती, मैं तो छोटी ही रहना चाहती हूँ, और तेरा आंचल पकड़कर यानी कि तेरे कपड़े का छोर पकड़कर मैं तेरे साथ घूमना चाहती हूँ, और तेरे साथ हमेशा रहकर मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती। आगे वो क्या कहती है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बच्चों, इसमें छलना का अर्थ है कपट करना, मात माता सदा हमेशा, कर हाथ सज्जित सुंदर बनाकर, गात शरीर सुखद सुख देने वाली। आगे बेटी अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ तू पहले हमें जल्दी से बड़ा कर देगी, फिर हमारे साथ छल करने लगेगी। छल कैसा बच्चों, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ क्या करती है, वह दिन रात उसके पीछे नहीं घूमती। क्या करती है माँ, फिर वह जल्दी से उसे खिलाती पिलाती है, उसका मुंह धोती है, उसके मुंह से धूल पोंछ कर उसके शरीर को सुंदर बनाती है, उसके हाथ में खिलौने थमा देती है। बस यही तो नहीं चाहती बेटी कि मैं वह जल्दी से बड़ी हो। फिर क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि खिलौनों से बहला देती है और फिर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। तो ये शिकायत है अपनी माँ से एक बेटी की, इसलिए वह बड़ा नहीं होना चाहती। अंत में वह क्या कहती है, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रिय निर्भय कहूं दिखा दे चंद्र उदय। स्नेह का अर्थ है प्रेम या प्यार, निष्प्रिय का अर्थ है बिना इच्छा के, निर्भय निडर चंद्र उदय चांद का निकलना। तो बच्चों, अंत में वह अपनी माँ से कहती है कि मैं इस प्रकार से बड़ी नहीं होना चाहती, और तेरा स्नेह, स्नेह का अर्थ बच्चों अभी मैंने बताया ना प्यार, कि मैं तेरा प्यार नहीं खोना चाहती माँ, मुझे हर समय तेरे प्यार की ज़रूरत है, तेरे आंचल की ज़रूरत है, मैं तेरे आंचल की छाया में रहना चाहती हूँ बिना किसी इच्छा के। निष्प्रिय का अर्थ होता है बिना इच्छा के, यानी कि जब मेरा दिल करे मैं तेरे आंचल की छाया में छिप जाऊँ, और निर्भय का अर्थ बताया अभी मैंने बिना डर के, और बिना डर के रात को मैं कह सकूँ कि माँ अब मुझे चांद का निकलना दिखा दो। तो बच्चों, कैसी लगी है कविता, इस कविता का अध्ययन आप स्वयं भी करेंगे, और बच्चों इस कविता के प्रश्न उत्तर पेज नंबर 95 पर दिए गए हैं। कविता से आगे 1 से 4 और कविता से आगे 1 से 3, बच्चों कविता से 1 से 4 और कविता से आगे 1 से 3 जो दिए गए हैं उनके उत्तर भी मैं आपको साथ में भेज दूँगी। धन्यवाद।